फ्रेंड्स, अंबुजा सीमेंट के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं और रेवेन्यू में तो कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिल रही, यानी कि वहां पर थोड़ी निराशा देखने को मिल रही है। मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 31% के आसपास है। और इसकी वजह सबको पता है, इस बार सीमेंट कंपनियों के मार्जिन बहुत ही अच्छे बढ़े हैं। तो ओवरऑल जो पिछले साल 7,126 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, वो इस साल बढ़कर 7,452 करोड़ रहा। तो यहाँ पर तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली। और आप यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, जो कि पिछले साल 855 करोड़ था, वो लगभग 31% बढ़कर 1,124 करोड़ रहा। मगर फ्रेंड, इस बार वन टाइम लॉस कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि 176 करोड़ है। इसकी वजह से हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जो पिछले साल 722 करोड़ था, वो इस बार बढ़कर 968 करोड़ रहा है। और इसमें एक डेफर्ड टैक्स का भी बेनिफिट कंपनी को 264 करोड़ का हुआ है, इसी वजह से प्रॉफिट हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी को 176 करोड़ का लॉस हुआ वन टाइम, और डेफर टैक्स की वजह से बेनिफिट हुआ। तो ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट जो बताया 855 करोड़ से बढ़कर 31% बढ़ा है, जो कि 1,124 करोड़ रहा है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा ही दिखाई दे रहा है, मगर रेवेन्यू में कोई खास बढ़त नहीं देखने को मिली। इस वजह से मुझे लगता है कल शेयर में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है।